जय हिंद दोस्तों, मैं हूं साइक अंजुम और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। बिहार शरीफ के सोसराय स्थित सनराइज कोचिंग सेंटर के 20 छात्रों ने 80 से अधिक तो 60 छात्रों ने फर्स्ट डिवीज़न लाकर संस्थान का नाम रोशन किया है। मंगलवार को छात्र छात्राओं को संस्थान के संचालक श्रवण कुमार मेहता ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद हमारे यहाँ के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा लगातार दिया गया। उसके बाद कोचिंग खुलने पर स्पेशल कोर्स के माध्यम से सिलेबस को पूरा किया गया। यही कारण है कि यहाँ के बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। संस्थान से मैट्रिक परीक्षा में कुल 80 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिसमें से 20 छात्र छात्राओं ने 80 से 95% तो 60 छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जबकि सफल छात्र छात्राओं ने बताया कि पिछले साल वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन था, जिसके कारण सभी कोचिंग शिक्षण संस्थान बंद थे। ऐसे में संस्थान द्वारा ऑनलाइन क्लास और सेल्फ स्टडी के जरिए अच्छे अंक प्राप्त कर सके। 80 से 95% तक अंक प्राप्त करने वालों में अभिषेक कुमार, विशाल कुमार, मुस्कान कुमारी, सनी कुमार, विशाखा कुमारी, बिट्टू कुमार, तमन्ना कुमारी, गौतम कुमार, श्रेया कुमारी, खुशी कुमारी, राधे श्याम कुमार, निधि कुमारी, निशा कुमारी, दानिश आलम, अंजलि कुमारी, निक्की कुमारी, गौतम कुमार, नीतीश कुमार, रवि रंजन और सूरभि कुमारी है। किए हैं और किस तरह शिक्षण व्यवस्था था इस आज सनराइज कोचिंग सेंटर का जलवा है। लगभग 90% बच्चों ने कोचिंग में फर्स्ट डिवीजन पास किए। उनमें से 25% मोर देन बच्चे 80% से अधिक मार्क्स उठाए। और सबसे अच्छी सनराइज परिवार के लिए हुआ कि हम स्टेट टॉपर के आसपास पहुंचते रह गए। 95% अभिषेक कुमार उठाए, जो कि हमारे कोचिंग का आज तक का सबसे मैक्सिमम मार्क्स है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अच्छे से सेवन सर द्वारा पढ़ाया गया जो भी था वो सब याद करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। घर में आप रहीं लॉकडाउन में, तो उस समय कैसे पढ़ी थी? सेल्फ स्टडी की। और कितने घंटे पढ़ाई की थी? बस 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में और रात में। आगे क्या लक्ष्य है? क्या बनना का इच्छा है? इंजीनियर। क्या नाम है आपका? देखिए, और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए? ताकि मैंने सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा किया था और ऑब्जेक्टिव पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव पे भी। और सनराइज कोचिंग द्वारा सरवन सर के द्वारा गाइड भी बहुत अच्छा मिलता था, जिसके कारण अच्छे नंबर उठा सकी हूँ मैं। और आने वाले जो बच्चे देने वाले आगे, उसके लिए कि और अब सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना ज़रूरी है और साथ साथ अच्छे से पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी। मैंने लगभग NCERT रूल्स को फॉलो किया और फिर ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हुए साथ साथ सब्जेक्टिव पे ध्यान दिया। तो आप सेल्फ स्टडी किए लॉकडाउन में? मैंने लॉकडाउन में श्रवण सर के द्वारा ऑनलाइन क्लास किया जो जारी हुआ था, उससे पूरा दिन किया, फिर NCERT बुक पूरा पढ़े, उसके बाद और सेल्फ स्टडी भी किए, फिर ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दिए, फिर सब्जेक्टिव पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए। इस बार 80 ऑब्जेक्टिव ट्यूशन था, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कोरोना काल में, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया ऑब्जेक्टिव पे। फिर सब्जेक्टिव के लिए NCERT बुक का आंसर याद किए, फिर श्रवण सर के द्वारा ऑनलाइन क्लास जो था उसमें क्वेश्चन आंसर करवाया गया था वो पढ़े, फिर बुक आता है जो वो बुक पढ़े। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार TV को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।